हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डोगनी कैफ़े में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जैसे भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले मैं आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो दोस्तों, हम जो आज की जो वीडियो लाए हैं वो जर्मन शेफर्ड डॉग या पपी के लिए लाए हैं, जिनके जो कान फ्लॉपी रह जाते हैं, गिर जाते हैं और स्ट्रेट नहीं होते हैं, खड़े नहीं होते हैं, उनके लिए लाए हैं। क्योंकि जो जर्मन शेफर्ड जो पपी है, उनका लगभग 1.5 महीने के बाद उनके जो कान हैं ये स्ट्रेट होने शुरू हो जाते हैं या बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले तो अपने क्या करना होगा, जब जहाँ से आप जो पपी हैं, जो छोटे जो पपी हैं जर्मन शेफर्ड, जहाँ परचेज करते हो ब्रीडर से, तो उनसे ये कंफर्म कर लें कि उनके जो मदर या फादर के कान बिल्कुल स्ट्रेट थे क्या। क्या है कि कई बार जर्मन शेफर्ड डॉग के बीच में जो कान होते हैं, कान के बीच में काफ़ी चौड़ी जगह बच जाती है, तो जिस वजह से जो है कि डॉग के कान फ्लॉपी रह जाते हैं। और कई बार क्या है कि डॉग के जो कान हैं काफ़ी खुरदरे होते हैं, इस वजह से भी क्या है कि डॉग के कान, जो डॉग है पपी है, वो कानों को संभाल नहीं पाता है। और कई बार क्या है कि जब अपने पपी को लाते हैं तो अपने पपी को लाड प्यार करते हैं तो उसके सिर पे हाथ फेरते हैं या उसके सिर को थपथपाते हैं, तो जिस वजह पे क्या भी आपके जो डॉग हैं पपी हैं उनके जो है कान वो स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं, फ्लॉपी रह जाते हैं। और कभी कभी क्या है कि जो पपी के अचानक ग्रोथ की वजह से भी क्या है कि जो कान हैं फ्लॉपी रह जाते हैं। तो इसमें अपने क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में आपको बताऊँगा कि ये तो हुआ इसका रीज़न क्या। इसमें एक रीज़न और भी है कि जब आपका जो छोटा पपी है, जर्मन शेफर्ड पपी है, वो जब ग्रोथ करता है तो उसकी जो उसके दांत है, उसकी जो हड्डियां हैं, उनको ग्रोथ करने के लिए काफ़ी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जिस वजह से क्या है कि जो उसके कानों की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत नहीं हो पाती है और जो पपीज़ के और डॉग के जो कान हैं वो स्ट्रेट ना होकर फ्लॉपी रह जाते हैं। तो ये भी इसमें एक बड़ा रीज़न रहता है। अब अपन बात करेंगे कि अपने जो डॉग हैं पपी के हैं उनके जो कान फ्लॉपी रह चुके हैं उसको अपने कैसे सामान्य तौर पर अपन उनको सामान्य कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं। ये जो आपको बताया है, ये उनके कान सीधे रहते हैं, वो चाहे कोई भी ब्रीड है उसमें आप कर सकते हैं, पर ख़ास तौर पे ये जर्मन शेफर्ड जो डॉग पे रिक्वेस्ट थी तो इस पर हम बना रहे हैं। जिस डॉग के आपके जो कान फ्लॉपी है तो आप उसको क्या करें, उसको आप पनीर देवें, दही देवें, डाइट के अंदर उसमें शामिल करें। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, अगर आपके जो पपी के जो कान हैं उसके हैवी कान हैं, ज़्यादा भारी कान हैं, जिनमें बाल ज़्यादा होते हैं, वहाँ से क्या है उसके कानों की शेविंग कर सकते हैं अंदर से, हाँ, या बाहर से, या आप क्या है कि उसको कैंची से काट भी सकते हैं ताकि उनके कान हैं उसके कान जो हल्के हो जाएं और जिससे वो कान को संभालने लग जाएं। और दूसरा क्या है कि आप फिश ऑयल, तीसरा जो आप अपने जो डॉग को है फिश ऑयल दे सकते हैं, जब आपको लगे कि आपके छोटे पपी हैं वो कान, एक कान उसका स्ट्रेट है, एक कान को उसने गिरा दिया है, तो आप फिश ऑयल भी दे सकते हैं और इसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। साथ ही साथ क्या है कि आप अपने जो डॉग है पपी को उसको मल्टीविटामिन ज़रूर चालू करें, क्योंकि ये मल्टीविटामिन या कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो जाता है, तो आप ये ज़रूर दें उसको। आप क्या है कि एक अनुभवी चिकित्सक से आप अपने जो पपी है डॉग है उसके जो कान जो ईयर फ्लॉपी हैं तो उनकी टेपिंग भी करवा सकते हैं, जिससे क्या है कि उसके जो कान स्ट्रेट हो जाएंगे। तो आप विटामिन डी के 6 आते हैं, पाउच आते हैं और इंजेक्शन भी आते हैं 6 लाख यूनिट के और 3 लाख यूनिट के आते हैं। तो आप क्या करें कि 3 लाख यूनिट के जो इंजेक्शन या जो 6 हैं उनको वीकली वीकली देवें और 6 वीक आपने देने होते हैं, वीक में एक बार देने होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि आपके जो जर्मन शेफर्ड पपी है या डॉग है उनके जो फ्लॉपी कान हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे और आपके जो पपी हैं डॉग वो सुंदर भी लगेंगे। और एक आपको सावधानी ये रखनी होगी कि जब आप पपी घर में लाएं तो उसके सिर पर बार बार हाथ ना फेरें, क्योंकि अपने उसको बार बार सिर पे हाथ फेरते हैं या कानों पे हाथ फेरते हैं, तो ये चीज़ ना करें। और साथ ही साथ क्या है कि अपने जो डॉग या पपी है उनके जो कान हैं उनकी समय समय पर आप जांच करते रहें, जिससे क्या है कि उनके अंदर किस तरह का इन्फेक्शन ना हो, वैक्स ज़्यादा ना जम जाएँ, तो आप उनको साफ़ करते रहें। और इसी तरह की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।